अभी हम जा रहे हैं। और ये हम जा रहे हैं गाय छोड़ने। तो अभी है हम कुछ ही दूरी पर, और ये देखिए ऊपर टॉप। और ये पानी पीते हुए, बहुत ही ठंडा पानी यहाँ पे। चलो पानी जो है बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पर। और ये देखिए, और ये जंप एंटर हो चुके हैं। 2 घंटे बाद जो है जहाँ गाय वगैरह छोड़े जाते हैं, और ये रहा वो दरवाज़ा। अब यहाँ से अब इन गाय को ऊपर टॉप पर छोड़ने के बाद जो है ये दरवाज़ा जो है बंद कर दिया जाएगा। अगर ये वापस भी आए तो यहाँ से ऊपर वापस चले जाए। अब हम अपने आगे के सफ़र के लिए यहाँ से पानी भर लेंगे, क्योंकि यहाँ से ऊपर हमारे पास पानी का कोई सोर्स नहीं है। सो ये रही हमारी दोनों गाय, एक मेरे कज़न का है एंड सेकेंड वन इज़ माई। सो गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे कैसा है सफ़र। गाइस, आफ्टर 2 आवर्स अब हम जो है हाई पास्चर जो लैंड है वहाँ पर एंटर हो चुके हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो है गेट है। अब जब हम यहाँ से वापस आएंगे तो इस गेट को बंद कर दिया जाएगा। अभी हमें बहुत दूर जाना है, हमें अभी 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं यहाँ पर आते आते। तो अभी हमारा सफ़र काफ़ी लंबा है, तो हम आगे के लिए जो है यहाँ से अभी पानी भर रहे हैं। तो उसके बाद हम पानी भर कर लाते हुए, और यहाँ से आगे नेटवर्क भी शायद नहीं है। और ये रहा वो नाला, और हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। ये देखिए, चो चो वही रास्ता बस नीचे को होके भी नहीं दिख रहा है। चो चल पलंग। हम पहुंच चुके हैं टॉप पर, बहुत ही टॉप पर। अब हमें हो चुका है जी
हम आए थे उस साइड से, और अभी जाना है हमें यहाँ से नीचे। तो ये रहा घास, और वहाँ नीचे डाउन पे हमारा गांव। पहुँच चुके जी हम नाले के पास, जो ये नाला है वहाँ से है, काफ़ी ऊपर है। और अभी हमें जो हमारे गाय हैं वो यहाँ से लाना है, और ये रहा वो सामने रास्ता। फिर यहाँ से थोड़ा करके फिर हमें वहाँ टॉप पर जाना है जहाँ पर बाकी जो जानवर है। तो ये रहा, वाओ, और वहाँ नीचे डाउन पे जो है गांव है। सो ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम हेयर, टॉप ऑफ द माउंटेन। जो पानी है वो यहाँ भी उतना ही है जितना नीचे डाउन एरियाज़ में है। मुझे लगा था यहाँ काफ़ी कम पानी होगा, बट यहाँ बहुत ज़्यादा है। और जो टॉप है वो यहाँ से भी काफ़ी दूर है। सो व्यू इज़ सो ब्यूटीफुल फ्रॉम हेयर, सो वी वॉन्ट टू मूव स्टिल 1 hour मोर, आफ्टर दैट वी आर गोइंग बैक। और देयर इज़ माई पार्टनर बिहाइंड द काउस, he is eating some leaf, these leaf is some kind of herbal disease, good for our joints, and lot of flowers here top of fountains। और ये रहा ऊँचे आपके जो पानी जहाँ से आ रहा है, काफ़ी बिल्कुल white color दूध की तरह, ये देखिए। और मैं यहाँ से उतर रहा हूँ, मैं गाय जो अपने जो गाय है उनको यहाँ से रोक कर वहाँ से इन्हें पार ले जाऊँगा जो उस रास्ते में। सो इट्स ब्यूटीफुल व्यू, और वो रहा नीचे गांव, और ये नदी। अभी हमें बहुत दूर जाना है, we need go so far from here, it's more than 1 hour। ये रहा रास्ता, काफ़ी मुश्किल है, so difficult way। देखिए सो हार्ड, एंड ऑक्सीजन लेवल इज टू लो हेयर। वी कांट एबल टू ब्रेथ इजिली, and weighs so hard। Wow, look, look, so dosto हम अब 5 घंटे के कंटिन्यू चढ़ाई के बाद इस टाइम हम पहुंच चुके हैं टॉप पर। ये देखिए मेरे बैक साइड, मेरे बैक साइड जो है वो है रिवर नदी, जो मेन नदी है हमारा। और वहाँ नीचे डाउन पर है गांव, तो मैं आपको अपने बैक कैमरा से दिखाता हूँ कैसा है। वहाँ नीचे डाउन पर है जी गांव, और हम आए थे वहाँ से, पूरा हमने वो जो है हिल वहाँ तक हाइक किया, उसके बाद हमने वहाँ तक हाइक किया उसके टॉप, फिर उसके बाद अराउंड वहाँ पर
वहाँ से हम आए ऐसे करके पूरा राउंड करते हुए ये हिल, उसके बाद हम वहाँ डाउन पे उतरे, फिर वहाँ से हम ऐसे आए ऑन दैट वे। सो इट्स टू हार्ड एंड देयर इज़ द मेन बेस ऑफ रिवर। और ये देखिए टॉप हिल्स अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है, टॉप इज़ सो फार फ्रॉम हियर एंड हिल्स लुक सो शार्प। तो ये दे रहा जी हमारा आज का हाइकिंग, अभी थोड़ा दूर और जाएंगे हम। ये देखिए अब मैं दिखाता हूँ आपको एंड दिस इज़ द पास्चर ग्रासलैंड आवर फ्रॉम हियर। और वो रहा नीचे मेरा घर, काफ़ी दूर दराज, काफ़ी डाउन पर, और सामने नीचे ये रास्ता, और ये रहा एक पुराना दोहरी। ये देखिए यहाँ पर पहले भेड़ बकरियों को रखा जाता था, और काफ़ी हाइट पर। ये देखिए किसी जानवर का सींग है, ये बहुत ही कुछ अजीब सा है ये। कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब सा है ये, मुझे नहीं मालूम क्या है ये, बट इट्स लुक्स यूनिक। और ये दोनों गाय नीचे आते हुए, चो पहुंचने वाले हैं गाय के पास जो इनका झुंड है। चुमल मल मल अला और ये जंगल में पहुंचने की खुशी में ये इधर उधर भागते हुए। नाउ द कैटल्स आर लिव हियर फॉर 3 months of summers. Look there down, lot of cattles there. They are coming to welcoming us. There are a lot of and this is the pasture land of high mountains. So we are rich here.
इसके पीछे भी खाना नहीं होना मेरे ख्याल से। छोड़ दिया भाई, आज हम दोनों का गाय दोनों का ऐसा हमारा सप्लाई आ रहा है। मेरे तो वो आती पीसी थी और मैंने तो नहीं लाया, वहाँ से फ्री में उठा के लाया उधर ने, दो दो तीन तीन हज़ार में बेच दिए। नाली के साथ साथ चलते थे, झरना देखिए कितना खूबसूरत है, एकदम दूध की तरह वाइट पानी। और ये रास्ता इधर होते हुए आ चुके हैं काफ़ी नीचे। देखिए हम जो है नदी के साथ साथ चल रहे हैं, तो हम वापस आ रहे हैं घर की तरफ। और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है यहाँ पर, मंजिल बहुत दूर है, हमारा रास्ता काफ़ी दूर है। और जो पानी के जो छींटे हैं वो अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो मुंह पर ये पड़ते हैं तो। अभी हम चले जा रहे हैं और पूरा जो जगह है वो पथरीला है।